आप सभी लोगों के लिए इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के लिए आज मैराथन क्लास शुरू हो रही है। तो आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास से जुड़ सके, फिर क्लास को शुरू किया जा सके। याद रखिएगा, आपका जो CBT एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि 10 जुलाई से शुरू हो गया है, ध्यान देंगे आप लोग, जो आपका CBT एग्ज़ाम 10 जुलाई से शुरू हो गया है, आपके सारे क्वेश्चन जो हैं इसी नेमी क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं। आपका CBT एग्ज़ाम जो है वो 10 जुलाई से शुरू हो चुका है और आपके जो एग्ज़ाम है वो आपके एग्ज़ाम 18 जुलाई को होने हैं। तो आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करके आ जाएंगे। चलिए, तो समय ना लेते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग 250 क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, और जितने लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी क्वेश्चन बैंक से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी क्वेश्चन को आप बार बार 2-3-4 बार अगर देख लेते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए, समय ना लेते हुए क्लास को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, सभी लोगों को बताना है, कमेंट करना है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? वार्निंग साइन है, मैंडेटरी साइन है, प्रोविजन साइन है, या इन्फॉर्मेशन साइन है? आप सभी लोगों को जल्दी जल्दी कमेंट करना है, बताना है ये कौन सा साइन बनाया हुआ है, प्लस का चिन्ह बनाया हुआ है, और पूछ रहा है ये कौन सा साइन है, वार्निंग साइन है, मैंडेटरी साइन है, प्रोविजन साइन है, इन्फॉर्मेशन साइन है। चलिए, विक्रम जी का आंसर डी आ रहा है। चलिए, और लोग भी जल्दी जल्दी से कमेंट करें, बताएं। आप लोगों का कमेंट हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके ज़्यादा कराने हैं। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन्फॉर्मेशन साइन। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आपके साइन होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक वार्निंग साइन, जो कि त्रिभुज में बना होता है। वार्निंग साइन किस में बना होता है? त्रिभुज में बना होता है। मैंडेटरी साइन, जो आवश्यक चिन्ह होता है, वो वृत्त में बना होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। निषेधात्मक चिन्ह भी वृत्त में बना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है तो याद रखेंगे, इसमें क्रॉस बार बना होता है, बाउंड्री लाइन बना होता है, और क्या बना होता है? क्रॉस बार बना होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 4 प्रकार के साइन होते हैं, वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन, प्रोविजन साइन, इन्फॉर्मेशन साइन। ये 4 तरह के क्या होते हैं? साइन होते हैं। और इन्फॉर्मेशन साइन जो होता है, सूचनात्मक चिन्ह हमेशा आयत में बना होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको बताना है अग्नि का समन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, अग्नि का समन क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, अग्नि में ईंधन को मिलाना है, अग्नि से ईंधन को अलग करना है, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना है। चलिए, बताना है सभी लोगों को, कमेंट करना है, बताना है कि जो आपका अग्नि का समन होता है वो क्या होता है। तो याद रखेंगे, व्हाट इज द समथिंग इज द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, अग्नि का समन क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो अग्नि का समन होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना जो होता है, अग्नि का समन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, क्या कहता है? निम्न में से भौतिक हानि क्या है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? दीप कुमार लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर जी। चलिए, ठीक है। चलिए, बताना है आप लोगों को, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? स्मोकिंग है, वाइब्रेशन है, कोरोसिव है, या रेडियो एक्टिविटी है? आपको बताना है कि भौतिक हानि कौन है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, धूम्रपान है, स्मोकिंग है, वाइब्रेशन है, कोरोजिव है, या रेडियो एक्टिव है। तो सभी लोगों को कमेंट करना है, बताना है इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए, याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइब्रेशन हो जाएगा, कंपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, कंपन जो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कह रहा है निम्न में से अग्नि को रोधक का उपयोग करके सही क्रम क्या है। अग्नि रोधक का उपयोग करने का सही क्रम आपसे पूछ रहा है, अग्नि को बुताने का सही क्रम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, खींचना है, निशाना लगाना है, लगाना है, दबाना है, घुमाना है। खींचना है, निशाना लगाना है, दबाना है, और घुमाना है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो आपको सही आंसर बताना है। चलिए, तो याद रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, खींचेंगे, निशाना लगाएंगे, दबाएंगे और घुमा देंगे। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा,
ए नंबर। चलेंगे अगले सवाल के तरफ। सवाल नंबर हमारे पास कौन है, तो पांचवा नंबर सवाल है, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण जो है स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। आपको बताना है मानकीकरण को कौन इंगित करता है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, देख करके सभी लोग कमेंट करके बताइए। 5 का डी आ रहा है आंसर विक्रम जी का। चलिए और लोगों को भी बताना है, कमेंट करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ हो जाएगा। 5S होता है, पहला S जो होता है सार्टिंग होता है, छटनी करना होता है। दूसरा जो होता है मतलब व्यवस्थीकरण होता है, आप उसको सही क्रम में लगाइए। तीसरा जो होता है साफ सफाई। चौथा जो होता है आपका वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मानकीकरण होता है। और 5S जो होता है डिसिप्लिन होता है। पाँचों S को आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलेंगे अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है देखेंगे। 6 नंबर कह रहा है, कौन से प्लायर का जो उपयोग है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप को बनाने में किया जाता है। आपको बताना है ऐसा कौन सा प्लायर होता है जिसका प्रयोग हम लोग तार के हुक और लूप को बनाने के लिए करते हैं। तार के हुक और लूप को बनाने के लिए किस प्लायर का प्रयोग होता है, आप सभी लोगों को कमेंट करना है, बताना है। आप सभी लोग कमेंट करें, बताएं। चलिए तो याद रखिएगा, कौन से प्लायर का उपयोग जो है तार के हुक और लूप को बनाने के लिए किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राउंड नोज प्लायर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। याद रखेंगे कौन से प्लायर का उपयोग जो है तार के हुक और लूप को बनाने के लिए किया जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा राउंड नोज प्लायर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 7, पिंसर का उपयोग क्या होता है। फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, छोटे व्यास के तार को काटना, लकड़ी में से पिन और कीले निकालना, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। आपको कमेंट करना है, बताना है पिंसर का क्या उपयोग होता है, जो पिंसर होता है उसका क्या उपयोग होता है, आप सभी लोगों को कमेंट करना है और बताना है। चलिए आप सभी लोग कमेंट करें, बताएं पिंसर का क्या उपयोग होता है। चलिए याद रखिएगा, पिंसर का जो उपयोग होता है लकड़ी में से पिन और कीलों को निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, मैंडेटरी साइन है, आवश्यक चिन्ह है, सचेतक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह, निषेधक चिन्ह है। आप सभी लोग कमेंट करें, बताएं। चलिए आप सभी लोग कमेंट करें, बताएं। 8 का ऑप्शन नंबर ये आ रहा है, मैंडेटरी साइन आ रहा है, आवश्यक चिन्ह आ रहा है। चलिए और लोग भी कमेंट करें। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक चिन्ह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग कैसा होता है। जो मूल श्रेणी होती है उसमें मूल श्रेणी के ध्यान देंगे, मूल श्रेणी के कह रहा है, जो आपकी मूल श्रेणी होती है उसमें सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग कैसा होता है। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। जो आपका वार्निंग साइन होता है उसके बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है, बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा येलो, पीला हो जाएगा। याद रखेंगे जो वार्निंग साइन होता है उसका बैकग्राउंड कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि है तो कौन से अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अगर विद्युत उपकरण जो होता है, विद्युत उपकरण से लगी अग्नि जो होती है वो किस श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, हेलान प्रकार है, झाग प्रकार है, गैस कारतूस प्रकार है, स्टोरेज प्रेशर टाइप है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि है तो कौन से अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे विद्युत उपकरण से लगी अग्नि को बुझाने के लिए हम लोग जिस अग्निशामक का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है हेलान प्रकार। क्या नाम हो जाएगा, तो हेलान प्रकार जो हो जाएगा आपका बिल्कुल ही ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर हमारे पास है 11।
अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, देख सकते हैं ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप सभी लोग कमेंट करें बताएं। पहला है रिसाइकिलिंग है, खाद डालना है, भस्मीकरण है, अपशिष्ट संघनन है, तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है, बताना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, याद रखेंगे अपशिष्ट निपटान विधि को नाम कहते हैं हम लोग भस्मीकरण, क्या नाम हो जाएगा, भस्मीकरण हो जाएगा। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भस्मीकरण, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। अगला सवाल आप लोग बताएंगे, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का प्रयोग किया जाता है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है एप्रन है, ग्लासेज है, ईयर मास्क है, नोज मास्क है, तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है, बताना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। आप सभी लोगों को कमेंट करना है और बताना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा नोज मास्क, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। याद रखेंगे धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का प्रयोग किया जाता है, कभी आपसे पीपीई का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, याद रखेंगे पीपीई का जो फुल फॉर्म होता है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नाक कवच, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है, आप सभी लोग कमेंट करें बताएं बीआईएस का पूर्ण रूप क्या होता है, आप सभी लोगों को कमेंट करना है और बताना है बीआईएस का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिएगा चलिए आपको बताना है 13 नंबर सवाल का जवाब, ध्यान दीजिएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग सवाल, सवाल नंबर हमारे पास है 14, 14 नंबर सवाल सभी लोग देखिएगा बताइएगा, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, भारी भार को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है विंच है, क्रेन और स्लिंग है, लेयर और रोलर्स है, मशीन चालित प्लेटफॉर्म है, आपको बताना है कि भारी भार को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे भारी भार को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है क्रेन और स्लिंग होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होता है, अग्नि में ईंधन मिलाना होता है, अग्नि से ईंधन को अलग करना होता है, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना होता है, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना होता है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होता है, आपको बताना है आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होता है। तो याद रखेंगे आग बुझाने में स्टार्विंग जो होता है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सवाल नंबर हमारे पास है 16, 16 नंबर सवाल आपका चित्र दिया हुआ है, इस पीपीई का नाम आपसे पूछ रहा है, ये जो आपका पीपीई दिया हुआ है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया हुआ है इसका नाम आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है नोज मास्क है, दूसरा है हेड शील्डेड है, तीसरा ऑप्शन है फेस शील्डेड है, और चौथा जो ऑप्शन है आपका हैंड स्क्रीन है। तो आप देख सकते हैं जो आपका चित्र में दिया हुआ है 16 नंबर में इसका नाम होता है हैंड स्क्रीन, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, हैंड स्क्रीन बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस अपशिष्ट निपटान विधि का नाम बताइए जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, तो याद रखिएगा उसका नाम रिसाइकिलिंग होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, रिसाइकिलिंग जो हो जाएगा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18, कह रहा है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जो जिसकी छाती और पेट में चोट लगा हो, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगा हो। शेफर विधि है, मुंह से मुंह विधि है, मुंह से नाक विधि है, नेसल भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि है, तो याद रखेंगे कह रहा है किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगा हो, तो याद रखेंगे ये हमारा नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, किस कह रहा है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जैविक नुकसान होता है, बायोलॉजिकल हजार्ड होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं हम लोग,
इस औजार का क्या नाम है, इस औजार का नाम आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, दिया हुआ है। गर्म पदार्थों को पकड़ने के लिए, तारों को काटने और मोड़ने के लिए, लकड़ी से कील को निकालने के लिए, बोल्ट और नट को ढीला करने के लिए। तो ये हमारा पिंसर दिया हुआ है, इसका काम जो होता है लकड़ी से कीलों को निकालने के लिए होता है, लकड़ी से कीलों को निकालने के लिए पिंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। आगे चलेंगे, कह रहा है दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, दिल के दौरे से कोई पीड़ित व्यक्ति है उसको आप कैसे पहचानेंगे, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएगा, या आपका पेट में अधिक सूजन होगा, या ओठ के चारों नीला रंग हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अगर दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक आया है, तो ओठों के चारों नीला रंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 22 नंबर सवाल, इस औजार का नाम आपसे पूछ रहा है, वायर स्टीपर है, क्रिम्पिंग टूल है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, या डायगोनल कटिंग प्लायर है। आप सभी लोगों को कमेंट करना है, बताना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। हेलो, हाँ सर, सर बिल्कुल सर बात करा थे, तुम पढ़ाओ तो नहीं क्लास लेते हैं, अब कह देना। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, चलिए 22 नंबर सवाल का जवाब आप लोगों को बताना है, इस औजार का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, डायगोनल कटिंग प्लायर है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ये हमारा डायगोनल कटिंग प्लायर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, आपको कमेंट करना है, बताना है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, चेतावनी चिन्ह है, वार्निंग साइन है, मैंडेटरी साइन है, प्रोविजन साइन है, इन्फॉर्मेशन साइन है। तो देखिए, ये हैंड ग्लव्स को प्रयोग करने का ये संकेत मतलब आपको दे रहा है, तो ये हमारा कौन सा साइन है, आपको बताना है सभी लोगों को। चलिए 23 का भी आंसर आ रहा है, चलिए बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक चिन्ह हो जाएगा, मैंडेटरी साइन हो जाएगा, आवश्यक चिन्ह हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर है 24, कह रहा है पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो याद रखिएगा, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालेंगे, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग अगला सवाल हमारे पास है 25 नंबर, कह रहा है पीड़ित को बचाने हैं तो क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत स्रोत से शक्ति से संपर्क में है। ऑप्शन है, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हैं तो बुलाएं, संयोजक को अलग करके और शक्ति आपूर्ति को क्या करें, बंद करें। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। आगे चलेंगे, अगला सवाल है, इसे सचेतक चिन्ह का नाम क्या है, इस सचेतक चिन्ह का नाम आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, तो आपको बताना है। देखिए, चित्र भी दिया हुआ है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है, विद्यालय है, संरक्षित है, असंरक्षित है, पैदल क्रॉसिंग है, तो आप देख सकते हैं ये पैदल क्रॉसिंग का चिन्ह बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, 27 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि पीड़ित के सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा क्या होता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट का 30 मिनट, पहले का 30 मिनट, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर न देना, तो पीड़ित की स्थिति को क्या कहा जाता है, कोमा कहा जाता है। 28 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, इस गेज का क्या उपयोग है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस गेज का उपयोग आपको बताना है। देखिए, जाब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना है, ऑप्शन जो दिए हुए हैं, जाब की आंतरिक त्रिज्या को जांचता है, बेलनाकार जाब का व्यास जांचता है, जाब की ऊंचाई और समांतरता जांचता है, जाब को मशीन में डेटम के समांतर रखता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाब की आंतरिक त्रिज्या नापता है। चेक द इंटरनल डायमीटर ऑफ द जाब, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, इस रेती का नाम आपसे पूछ रहा है, इस रेती का नाम क्या है, आप देख सकते हैं, इसका चित्र देखते ही आप आंसर बता सकते हैं, ये कौन सा रेती है। तो याद रखिएगा, ये आपकी लकड़ी पे काम करने वाली रेती है, इसका नाम रास्कट फाइल होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डिवाइडर है,
इनसाइड कैलिपर है, बिसमले कैलिपर है या बाय कैलिपर है। तो आप देख सकते हैं जो चित्र में बनाया हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा। टांगे जो है बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, इसलिए आंतरिक कैलिपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 32, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो लकड़ी होती है उसमें ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या होता है। तो याद रखेंगे असमान सिकुड़ना जो होता है ट्विस्टिंग दोष का कारण होता है। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष क्यों होता है, तो असमान रूप से सिकुड़ता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला चलेंगे, मोटाइल छेनी का क्या उपयोग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो मोटाइल छेनी होती है उसका क्या उपयोग होता है। तो याद रखेंगे जो मोटाइल छेनी होती है उसका काम होता है लकड़ी में आयताकार छेद करना। लकड़ी में आयताकार छेद करना जो होता है वो मोटाई छेने का काम होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलेंगे, सीट मेटल में तेज मोड़े हेतु किस प्रकार के स्टे का प्रयोग किया जाता है। कह रहा सीट मेटल है उसमें तेज मोड़े हेतु किस प्रकार के स्टे का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैचेट स्टे। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, किस प्रकार की ठंडी छेने का उपयोग जो है किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। किस प्रकार की ठंडी छेनी का जो उपयोग है किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। याद रखेंगे किस प्रकार की ठंडी छेनी का जो उपयोग है किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हीरा पॉइंट छेनी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे चलेंगे 36 नंबर सवाल की तरफ, किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग जो है पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग जो है पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है। इसका नाम होता है जेनी कैलिपर। इसकी एक टांग जो होती है वो टेढ़ी होती है। आगे चलेंगे अगला सवाल, कह रहा है इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं इस ड्रिल बिट का जो नाम होता है ये टेपर शैंक बिट है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर हमारे पास कितना है, तो आप देख सकते हैं 38 नंबर। शीट मेटल में समान उपयोग है तो किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है शीट मेटल जो होता है उसमें समान उपयोग करने के लिए किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है। वर्गाकार स्टेक है, हैचेट स्टेक है, ब्लो हार्न स्टेक है, बेबल एज स्टेक है। तो याद रखिएगा इसका जवाब हो जाएगा वर्गाकार स्टेक। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ 1.25 इंडिकेट इन द आईएसओ मैट्रिक फाइन थ्रेड एम 12 गुड़े में 1.25। 1.25 का मतलब इसमें पूछ रहा है, पहला ऑप्शन है थ्रेड का व्यास है, थ्रेड का पीच है, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड की गहराई है, चौथा ऑप्शन है आपके पास थ्रेड की लंबाई है। तो 1.25 जो होता है ये थ्रेड का पीच होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखा के उगने का कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। लकड़ी में जो अनियमित रूप से शाखा उगती है उसके कारण से गांठ दोष होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। याद रखिएगा लकड़ी में जो अनियमित रूप से शाखा उगती है उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग गांठ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। एक टेना नारी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है। एक टेना नारी है उसके दांतों को कुंद करने के लिए, उसके दांते कुंद हो गए, उसको तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रायंगुलर रेती होता है, ट्रायंगुलर फाइल होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर है आपके पास 22। यक्ष से इंगित रेती के भाग का नाम आपको बताना है। ये जो आपका चित्र में दिया हुआ है इसका नाम आपसे पूछ रहा है, एज है, हील है, टैंग है, शोल्डर है। तो इसका नाम हो जाएगा हील। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे 43 नंबर सवाल की तरफ, इस औजार का नाम क्या है। आपको चित्र में दिया हुआ है तो इसका नाम होता है जेनी कैलिपर, सभी लोग जानते हैं। इसका नाम क्या होता है, जेनी कैलिपर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। कह रहा है छेनी में यक्ष द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम बताइए। छेनी में यक्ष द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम बताना है तो इसका नाम होता है पॉइंट एंगल। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, पॉइंट एंगल। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर है हमारे पास 45। फार्मर छेनी का क्या उपयोग होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो फार्मर छेनी होता है उसका काम होता है समान छेनीकरण कार्य को करने के लिए। मोटाइज छेनी का जो प्रयोग होता है उसका काम हम लोग आयताकार छेद बनाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर फार्मर छेनी कह दे इसका क्या उपयोग होता है, तो याद रखेंगे समान छेनीकरण कार्य को करने के लिए हम लोग फार्मर छेनी का प्रयोग करते हैं। अगला चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर हमारे पास है 46। किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ जो है प्रयोग किया जाता है जब जाब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है। कह रहा है किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाब पर एक भाग के सिरों के अंत में कुछ दूरी पर मिलता है, तो इसको हम लोग मध्यम ज्वाइंट लैप ज्वाइंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे चलेंगे 90 डिग्री मोड़ पर अंदर से निकले हुए भाग के किनारों को धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही 90 डिग्री कहे तो इसका आंसर हो जाएगा भी नाच। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए।
आंसर नंबर कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। आगे चलेंगे 48 नंबर, सीट मेटल कार में हेम फोल्डिंग का उद्देश्य क्या होता है। जो सीट मेटल होता है उसमें हेम फोल्डिंग किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। वर्गाकार डिब्बों को बनाने में सहायता करता है, सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक होता है, काटने के बाद खुरदुरे किनारे बनने से रोकता है, या सीट को क्षति से बचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीट को क्षति से बचाता है, इसलिए सीट मेटल में हेम फोल्डिंग किया जाता है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, 49 नंबर, लकड़ी में कौन सा दोष है इसकी शक्ति को कम करता है। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है, उसको हम लोग अनियमितता कहते हैं, इरेगुलरिटी कहते हैं। अनियमितता जो होता है वो लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है, तो उसको हम लोग अनियमितता कहते हैं, इरेगुलरिटी कहते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, इस हथौड़े का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, इस हथौड़े का नाम कला है, मरहोता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल है हमारे पास 51 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं, अर्धशतक हम लोग लगा चुके हैं। तो देखिए कह रहा है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग कपिंग कहते हैं। लकड़ी में गलत सीजनिंग के कारण जो दोष होता है उसका नाम कपिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, जस्टी सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम आपका क्या है। कह रहा है जो आपका जस्टी सीट दिया हुआ है उसके पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, देख सकते हैं, पहला है हेम है, दूसरा है फुल फार्म जोड़ है, तिरछी मेल थ्रेड है, चौथा ऑप्शन है समांतर फीमेल थ्रेड है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा, समांतर फीमेल थ्रेड होता है। आगे चलेंगे अगला सवाल की तरफ, 53 नंबर सवाल क्या कहता है, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नाच का प्रयोग किया जाता है। अगर सीट के सिरों को मोड़ना है तो उसके लिए हम लोग सीधा नाच का प्रयोग करते हैं, स्ट्रेट नाच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्रॉस कट छेनी का क्या उद्देश्य होता है आपको बताना है। जो क्रॉस कट छेनी होते हैं उसका क्या उपयोग होता है, तो याद रखिएगा, क्रॉस कट छेनी का जो उपयोग होता है कीवेज काटने में किया जाता है। जो क्रॉस कट छेनी होती है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कीवेज को काटने में किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर हमारे पास 55 है, 90 डिग्री पर मोड़ हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए हम लोग भी नाच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो आपका ए जो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर हमारे पास है 56, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, लकड़ी की यांत्रिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी प्रयोग की जाती है। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी प्रयोग की जाती है। इसका नाम होता है की होल आरी, इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, 57 नंबर सवाल है, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम आपको बताना है। चित्र में दिया हुआ है, इस स्टेक का नाम आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये हमारा ब्लू हॉर्न स्टेक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ये हमारा कौन सा स्टेक दिया है, तो ब्लू हॉर्न स्टेक दिया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, इस औजार का नाम क्या है, कला हैमर है, टैक्स हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, या स्ट्रेट पिन हैमर है। तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है, बताना है ये कौन सा हैमर दिया हुआ है। तो याद रखेंगे, ये हमारा टैक्स हैमर दिया है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, कह रहा है चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग वेब चीजल कहते हैं, जालीदार छेनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग जो है टैपिंग शंकु के आकार के लेगों को रिवेटिंग या सिमिंग करने के लिए किया जाता है। कह रहा है किस प्रकार की स्टेक का उपयोग जो है टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग और सिमिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लू हॉर्न स्टेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या है, लकड़ी में गाढ़ दोष का क्या कारण होता है। तो याद रखिएगा, शाखाओं में वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर हम लोग 62 पे आ चुके हैं। 62 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो याद रखिएगा, 32 एम्पीयर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 एम्पीयर हो जाएगा। 32 का कितना हो जाएगा, तो 26 एम्पीयर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। स्टैंडर्ड वायर गेज से तार के मापने की आकार क्या होती है आपसे पूछ रहा है। जो आपका इस WG से तार
का आकार मापने की परास क्या होता है, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसे तार को कितने आकार तक मापा जाता है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर है 0 से 36 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। आगे चलेंगे, कह रहा है इस जोड़ का नाम आपको बताना है जो चित्र में आपको दिखाया हुआ है। इस जोड़ का नाम क्या है, एरियल टाइप जोड़ है, नाटेड टाइप जोड़ है, डुप्लेक्स क्रॉस टाइप जोड़ है या डबल क्रॉस टाइप जोड़ दे है। तो देख सकते हैं इस चित्र में जो दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटेड टाइप जोड़ है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ हम लोग। सवाल नंबर हमारे पास है 65, क्या कहता है, गैल्वनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। जो आपका गैल्वनीकृत लोहा होता है या गैल्वेनाइजिंग जो लोहा होता है उसके लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है रेजिन है, जस्ता क्लोराइड है, साल अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हो जाएगा। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है हमारे पास 66, क्या कहता है, मात्रा उत्पादन और ट्रेनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मात्रा उत्पादन और ट्रेनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करना है या ट्रेनिंग कार्य करना है उसके लिए किस सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम लोग डीप सोल्डरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका भूमिगत केबल दिया है वो उसमें इंगित भाग का नाम बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा वेडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेडिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। थोड़ा चित्र को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दो चित्र इसमें दिया हुआ है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, XLPE का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्रॉस लिंकेड पॉलीएथिलीन होता है। ध्यान देंगे, XLPE का फुल फॉर्म जो होता है क्रॉस लिंकेड पॉलीएथिलीन, ऑप्शन नंबर कौन है, सी हो जाएगा। क्रॉस लिंकेड पॉलीएथिलीन आपके सवाल का बिल्कुल ही ठीक जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल हमारे पास है 69 नंबर, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। जो आपका भूमिगत केबल होता है उसमें सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है, केबल को नमी से बचाता है, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है, केबल धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है या आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल है, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। तो ये आप चित्र देख लीजिए, हमारा शॉर्ट सर्किट का चित्र है। किसका चित्र है, तो इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। जो आपका उत्पादन संयंत्र होता है उसमें किस प्रकार की केबल को बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा हवा में रैक होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, हवा में रैक। आगे चलेंगे, अगला सवाल है 72 नंबर, तांबे के परमाणु के आबद्ध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तांबे के परमाणु के आबद्ध चक्र में आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो याद रखिएगा अगर आबद्ध चक्र में पूछेगा तो इसका जवाब एक हो जाएगा, अगर तीसरे कक्षक में पूछेगा तो इसका जवाब 18 होता है। तांबे के परमाणु के आबद्ध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका जवाब जो हो जाएगा एक हो जाएगा, क्योंकि तांबे का परमाणु क्रमांक हमारा 29 होता है, पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 18 होता है और चौथे में जो होता है एक होता है, और टोटल कितने हो जाते हैं, 29 हो जाते हैं। तो आप आराम से देख सकते हैं 2, 8, 18 और आपका एक होता है। एक क्वेश्चन आएगा कि तांबे के परमाणु के आबद्ध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका जवाब एक होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहेगा कि ये बताइए तांबे के परमाणु के तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका जवाब हमारा 18 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, नियान लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। जो नियान लैंप होता है उसमें विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे ऊष्मीय प्रभाव दिया है, चुंबकीय प्रभाव दिया है, रासायनिक प्रभाव दिया है, गैस आयनीकरण प्रभाव दिया है। नियान लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव जो होता है, जो आपका नियान लैंप होता है उसमें विद्युत धारा का प्रभाव गैस आयनीकरण प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। संजीत कुमार बहुत लेट जुड़ रहे हैं, लिख रहे हैं राम राम सर जी, सभी को राधे राधे। चलिए अगला है, कुचालक प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, आपको कमेंट करना है, बताना है। जो कुचालक प्रतिरोध होता है उसका मेगा ओम होता है, क्या होता है, तो ध्यान देंगे इसका आंसर हो जाएगा मेगा ओम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे चलेंगे, अगला सवाल है, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण होता है। कौन सा विद्युत उपकरण जो है अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा उपकरण होता है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है कार्टिज फ्यूज है, दूसरा है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ,
सवाल नंबर है, सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हैं तो किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है। जो सिरोपरि लाइन होता है, कह रहा है सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की जोड़ का उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा वेस्टर्न यूनियन जोड़ होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, वेस्टर्न यूनियन जोड़। आगे चलेंगे, अगला सवाल है एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। जो आपका एल्युमिनियम चालक होता है, जो एल्युमिनियम चालक को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, तो कर्ले लाइट होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलेंगे, अगला सवाल है 78 नंबर, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से जो टीन का भाग होता है वो कम हो जाता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा टीन का भाग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाता है। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहेगी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा जो है लंबे समय तक बहती रहेगी, तो कुचालक का प्रतिरोध घटेगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, 80 नंबर सवाल क्या है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त होती है। आपको बताना है केबल बिछाने की कौन सी विधि जो है वो संकीर्ण क्षेत्रों के लिए उपयोग होती है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डक्ट पाइप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलेंगे, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है। देखिए पहला एक क्वेश्चन और आया था इसमें से, मैंने बताया था इसका दो चित्र दिया हुआ है, दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले वाले में आपसे बहुत आगे का पूछा था, तो इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सर्वरिंग है वेडिंग है आर्मरिंग है, लेड शीथ है। आपको बताइए सभी लोग कमेंट करके, 81 नंबर का क्या हो जाएगा जवाब आपका। चलिए किसी का भी जवाब नहीं आया अभी, चलिए बिल्कुल ठीक है, विक्रम सिंह जी का लेड शीट हो जाएगा आपका जवाब। याद रखिएगा दो चित्र दिया हुआ है, पहले का वन है और दूसरे का क्या है, डी है। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, कह रहा है भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। भूमिगत केबल में जो दोष दिया गया है ये हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, दोहरा दिया है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे 83 नंबर, भूमिगत केबल में कौन सा धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। कह रहा है भूमिगत केबल में कौन ऐसा है जो आपके कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, सर्वरिंग है, वेडिंग है, आर्मरिंग है, लेड शीट है, तो इसका जवाब जो हो जाएगा वेडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन जो होता है उसको उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए, यह जलने और अग्नि को रोकता है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इसको स्टैंड में क्यों रखते हैं, तो याद रखिएगा यह जलने और अग्नि को क्या करता है, रोकता है, जलने और अग्नि को क्या करता है, रोकता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जलने और अग्नि को क्या करता है, रोकता है। आगे देखेंगे 85 नंबर सवाल, कह रहा है जंक्शन बॉक्स के किस प्रकार के तारों को जोड़ पाए जाते हैं। जो आपका जंक्शन बॉक्स होता है उसमें किस प्रकार के तार के जोड़ पाए जाते हैं, एरियल टाइप जोड़ है, सीधा टाइप जोड़ है, रैट टाइल जोड़ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रैट टाइल जोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। इस जोड़ का नाम क्या है, मैरिट जोड़ है, स्कार्प वेस्टर्न यूनियन जोड़ है, या ब्रिटानिया टी जोड़ है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा मैरिट जोड़ बनाया गया है, शादी विवाह में प्रयोग किया जाता है, मैरिट जोड़ होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रिटानिया टी जोड़ जो होता है इसका क्या उपयोग होता है, तो याद रखिएगा सिरोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना होता है। सिरोपरि लाइन जो होता है ब्रिटानिया जोड़ के लिए, याद रखिएगा सिरोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, सर्वरिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य करने के लिए किस सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग होता है। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए पूछेगा, इसका जवाब सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, डीप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग उपयोग क्या होता है। जो डीप सोल्डरिंग होता है उसका उपयोग कहाँ होता है, तो याद रखिएगा पीवीसी के छोटे भागों की सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग डीप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं, पीवीसी के छोटे भागों की सोल्डरिंग के लिए। अगला सवाल देखेंगे, रेटेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है। जो आपका रेटेड केबल होता है, ध्यान दीजिएगा, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है, पर्सन फाइलिंग है, आर्मरिंग है, लेड शीथ है, इसका जवाब हो जाएगा लेड शीथ, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है कौन सा कुचालक पदार्थ जो भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो आपके भूमि में
भूमिगत केबल की गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है तो बिटुमिनस यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, बिटुमिनस यौगिक। आगे चलेंगे तो 92 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य होता है, भूमिगत जो केबल होता है उसमें बेडिंग का क्या उपयोग होता है। तो याद रखेंगे धातु कवच को क्षरण से बचाता है, धातु कवच को क्षरण से बचाता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। आगे चलेंगे भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है, जो भूमिगत केबल होता है उसमें किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। तो याद रखेंगे लूप टेस्ट को ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे चलेंगे 94 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कह रहा है यदि एक हुए चालक को 7/1.4 से इंगित किया गया है तो 1.40 क्या दर्शाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, या आपका एक चालक की त्रिज्या है, सभी चालकों का व्यास है, प्रत्येक चालक का व्यास है। तो याद रखिएगा 1.4 जो हो ये प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलेंगे 95 नंबर, एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है, एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान जो होता है याद रखेंगे एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान 35 mho/m होता है, 35 mho जो पर मीटर होता है एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान होता है। आगे चलेंगे केबल की अधिक धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होता है, कह रहा है केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होता है, तो इसका जवाब 0.81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होता है, तो 0.81 हो जाएगा। आगे चलेंगे भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है, तो याद रखिएगा फेज चालक ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर पास 98 है, व्हाट इस औजार का नाम क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कटिंग प्लायर है, वायर स्ट्रिपर है, या आपका क्रिम्पिंग टूल है, तो ये आप चित्र में देख सकते हैं इसका नाम होता है क्रिम्पिंग टूल, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे उच्च तन्यता है तो सिरोपरि लाइन में कौन से जोड़ का उपयोग किया जाता है, उच्च तन्यता है तो सिरोपरि लाइन में किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा वेस्टर्न यूनियन जोड़ होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। उच्च तन्यता है तो सिरोपरि लाइन में कौन सा जोड़ प्रयोग किया जाता है, तो वेस्टर्न यूनियन जोड़ होता है। आगे देखेंगे माइक्रोमीटर का पाठ्यांक कितना है, तो याद रखिएगा इसका जवाब जो हो जाएगा, माइक्रोमीटर का आपसे पाठ्यांक पूछ रहा है, तो इसका जवाब जो हो जाएगा, एक ही सवाल है रट लीजिएगा, 4.55 mm हो जाएगा। ये जो आपका माइक्रोमीटर है इसका पाठ्यांक जो है वो 4.55 mm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन अभी तक देख लिए हैं, 100 क्वेश्चन देख लिए हैं, इससे कम से कम मान के चलिए आपके एग्जाम में गारंटी हमारे तरफ से है कि आपके एग्जाम में यहाँ से कम 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से आराम से पा सकते हैं, अगर आपको 100 क्वेश्चन याद है। जितने लोगों को 100 क्वेश्चन याद है सभी लोग यस टाइप करेंगे, जितने लोगों को ये 100 क्वेश्चन याद हैं सभी लोग यस टाइप करिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए विक्रम सिंह यस लिख रहे हैं, चलिए ठीक है, यस बस दो ही लोग पढ़ रहे हैं लग रहा है, सचिन पटवा यस लिख रहे हैं, चलिए ठीक है सचिन जी, जवाब नहीं दे रहे थे सचिन जी। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके यार दोस्त हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, क्योंकि अभी 150 क्वेश्चन अभी आपके और कराए जाएंगे, और कल भी आपका ये लाइव क्लास चलेगा, मैराथन क्लास चलेगा, 2 दिन में आपका पूरा इलेक्ट्रिशियन खत्म हो जाएगा, 2 दिन में आपका इलेक्ट्रिशियन खत्म हो जाएगा। आप 2-3 बार इसी वीडियो को लगातार देखते रहिए, दुगना स्पीड में देखिए, काफ़ी तेज़ी से देखिए, आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए समय न लेते हुए हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कितने लोग चाहते हैं कि एक बार क्लास को दोहरा लिया जाए, क्वेश्चन को दोहरा लिया जाए, अगर जितने लोग चाहते हैं क्वेश्चन को दोहरा दिया जाए तो यस टाइप करिए, ये 100 क्वेश्चन को एक बार बहुत तेज़ी स्पीड से दोहरा दिया जाए तो एक बार यस टाइप करेंगे आप लोग। विक्रम सिंह यस लिख रहे हैं, चलिए यामिन अंसारी भी यस लिख रहे हैं, चलिए तो दोहरा दिया जाए, चलिए ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत तेजी से हम चलेंगे, सभी लोग जवाब देते चलिएगा,
इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो यह हमारा इन्फॉर्मेशन साइन है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो है अग्नि का समन क्या होता है? तो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो है इनमें से भौतिक हानि क्या होता है? तो याद रखिएगा वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सी बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, 5S संकल्पना में कौन सा चरण जो होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? 4S होता है, स्टेप 4 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन से प्लायर का उपयोग जो है तार के हुक और लूप को बनाने के लिए किया जाता है? तो राउंड नोज प्लायर होता है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलेंगे, अगला सवाल है पिंसर का क्या उपयोग होता है लकड़ी से पिन और किलो को निकालने के लिए? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या होता है? तो ये हमारा कौन सा साइन है? तो ये हमारा आपका चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका नाम होता है मैंडेटरी साइन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवश्यक चिन्ह हो जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है इस मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? तो येलो होता है, पीला होता है। आगे देखेंगे, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि है तो कौन से अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? हेलान प्रकार का, ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, एफसी निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो उसको हम लोग भस्मीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखेंगे, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी का प्रयोग किया जाता है? नाक कवच होता है, नोज मास्क, ऑप्शन नंबर डी है। BIS का पूर्ण रूप क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, भारी भार को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? क्रेन और स्लिंग का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होता है? तो याद रखेंगे, आग बुझाने में जो आपका स्टार्विंग होता है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पीपी का नाम क्या होता है? तो इसका नाम हैंड स्क्रीन होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे चलेंगे, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रिसाइकलाइजेशन, पुनर्चक्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण होता है? बायोलॉजिकल हड़ा, जैविक नुकसान होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, इस औजार का नाम क्या होता है? तो लकड़ी से कील को निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर कौन है? तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल क्या कह रहा है? दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? ओठों के चारों ओर नीला रंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। आगे चलेंगे, तो अगला सवाल है इस औजार का नाम क्या होता है? तो हमारा डायगोनल कटिंग प्लायर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे चलेंगे, तो अगला सवाल है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो ये हमारा कैसा चिन्ह है? तो आवश्यक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, पीड़ित के रक्त को बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, पीड़ित को बचाने हैं तो क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए? यदि वो अभी भी विद्युत स्रोत से संपर्क में है तो संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो ये हमारा पैदल क्रॉसिंग है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, वो मर रहा है, तो उसके लिए स्वर्णिम घटना पहले का 30 मिनट होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, पीड़ित की किस स्थिति को कोमा कहा जाता है? पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटर आना, बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, इस औजार का नाम क्या होता है जब कि आंतरिक त्रिज्या को नापता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, इस रेती का नाम क्या है? तो ये हमारा राष्ट्र कट रेती है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। इस औजार का नाम क्या है? तो ये हमारा इनसाइड कैलिपर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलेंगे, तो इसका नाम लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा, लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष होता है उसका कारण होता है समान सिकुड़ना होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, मोटाई छेनी का प्रयोग क्या होता है? तो लकड़ी में आयताकार छेद करना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलेंगे, सीट मेटल हेतु तेज मोड़े हेतु किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम हैचेट स्टेक होता है, ऑप्शन नंबर है बी। आगे चलेंगे, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग जो है किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है? हीरा पॉइंट छेनी होता है, ऑप्शन नंबर है आपका डी। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग जो है पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है? उसका नाम जैनिक कैलिपर होता है, ऑप्शन नंबर है बी। आगे चलेंगे, तो इस ड्रिल बिट का नाम क्या होता है? टेपर सैंक बिट होता है, ऑप्शन नंबर है बी। आगे चलेंगे, अगला सवाल है 38 नंबर, सीट मेटल में समान उपयोग है तो किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है? समान उपयोग के लिए हम लोग वर्गाकार स्टेक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर है ये। आगे चलेंगे, तो इसमें आपका
थ्रेड का पिच होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, लकड़ी में नियमित रूप से शाखा के उगने के कारण गांठ दोष होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए है। आगे चलेंगे, एक टेनन नारी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए त्रिभुजाकार रीति होता है, ऑप्शन नंबर है आपके पास सी। अगला देखेंगे, यक्ष से इंगित भाग का नाम हिल होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। अगला सवाल देखेंगे, इस औजार का नाम क्या होता है, तो ये हमारा जेनी कैलिपर है, ऑप्शन नंबर कौन है, तो ए है। आगे चलेंगे, इस औजार इसका नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। आगे चलेंगे, थर्मल श्रेणी का क्या प्रयोग होता है सामान्य श्रेणीकरण कार्य को करने के लिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलेंगे, तो कह रहा है किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है, यदि जाब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है तो इसको मिडिल लैप ज्वाइंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर है सी। अगला सवाल देखेंगे, 90 डिग्री पर मोड़ है तो अंदर से निकले हुए किनारों पर धातु ट्रे बनाने के लिए किस नाच का प्रयोग किया जाता है, तो भी नाच, ऑप्शन नंबर हमारा ए है। आगे देखेंगे, सीट मेटल कार में फ्यूम बॉन्डिंग का क्या उद्देश्य होता है, सीट को क्षति से बचाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आगे चलेंगे, लकड़ी में कौन सा दोषी शीशी शक्ति को कम करता है, इरेगुलरिटी अनियमितता होता है, ऑप्शन नंबर कौन है, तो डी। आगे चलेंगे, इस हथौड़े का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है कला है, हमारा ऑप्शन नंबर है ये। आगे चलेंगे, तो अगला सवाल है, गलत सीजने के कारण लकड़ी में कौन सा दोष होता है, तो गलत सीजने के कारण लकड़ी में कपिंग दोष होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी। आगे चलेंगे, जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होता है, इसका नाम समांतर फीमेल थ्रेड होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। अगला सवाल देखेंगे, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नाच का प्रयोग किया जाता है, अगर सीट के सिरों को मोड़ने के लिए हम नाच का प्रयोग देखें तो सीधा नाच होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी। अगला सवाल देखेंगे, क्रॉस कट छेनी का क्या काम होता है, तो याद रखिएगा की वेज काटने के लिए क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर है ये। आगे देखेंगे, 90 डिग्री पर मोड़ है तो किस प्रकार के नाच का प्रयोग किया जाता है, तो भी नाच होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ये। आगे देखेंगे, लकड़ी की यांत्रिक कटिंग करने के लिए किस प्रकार के वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है, तो की होल आरी होता है, ऑप्शन नंबर है बी। आगे देखेंगे, 57 नंबर शीट मेटल में उपयोग है तो कौन से स्टेक का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा ब्रो हॉर्न स्टेक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी। आगे देखेंगे, इस औजार का नाम क्या होता है, तो इसका नाम ट्रैक हैमर होता है, ट्रैक्स हैमर होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगले चलेंगे, चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है, जालीदार छेनी वेब चीजल होता है। आगे देखेंगे, किस प्रकार के स्टेक का उपयोग जो है टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिबिटिंग और सिमिंग करने के लिए किया जाता है, तो ब्लो हॉर्न स्टेक होता है, ऑप्शन नंबर है सी। लकड़ी में गाढ़ दोष का कारण क्या होता है, तो शाखाओं में वृद्धि, ऑप्शन नंबर है सी। आगे देखेंगे, 32 एम्पियर रेटेड केबल के लिए 26 हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर है सी। आगे देखेंगे, SWG से तार आकार मापने की परास 0 से 36 होता है, ऑप्शन नंबर है डी। आगे देखेंगे, इस जोड़ का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है नाटेड टाइप जोड़ होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। आगे देखेंगे, गलनकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी। आगे देखेंगे, मात्रा उत्पादन और ट्रेनिंग कार्य करने के लिए डीप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ए। आगे देखेंगे, भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या होता है, बेडिंग होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, XLPE का रूम फुल फॉर्म जो होता है क्रॉस लिंकेड पॉलीएथिलीन, ऑप्शन नंबर कौन है, तो सी। आगे देखेंगे, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है, तो आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। इस टेस्ट में भूमिगत केबल के किस भाग दोष को दर्शाया गया है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, ऑप्शन नंबर कौन है, बी। आगे देखेंगे, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, हवा में रैक, ऑप्शन नंबर कौन है, बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तांबे के परमाणु के आबद्ध चक्र में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर है ए। आगे देखेंगे, तो नियान लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, गैस आनीकरण प्रभाव, ऑप्शन नंबर है डी। आगे देखेंगे, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो मेगा ओम, ऑप्शन नंबर है डी। आगे चलेंगे, अगला सवाल है, कौन से विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण होता है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, ऑप्शन नंबर कौन है, बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है, वेस्टर्न यूनियन जोड़, ऑप्शन नंबर कौन है, डी। आगे देखेंगे, एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, करेले लाइट होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या होता है, टीन का भाग कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अगला सवाल है, केबल के पीवीसी भाग का कुचालक क्या होगा, अत्यधिक धारा जो है लंबे समय तक बह रही है तो कुचालक प्रतिरोध घटेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु उपयुक्त होती है, डक्ट पाइप, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी। आगे देखेंगे, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा लेड शीथ होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे चलेंगे,
कि भूमिगत केबल के किस दोष को ज्ञात किया जाता है, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखेंगे 83 नंबर, भूमिगत केबल में कौन सा धातु कवच को क्षरण से बचाता है, तो उसका नाम होता है लेड शीथ, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। आगे चलेंगे तो कह रहा है सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने से में स्टैंड में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि यह जलने से अग्नि को रोकता है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए। आगे देखेंगे जैक्सन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं, तो ये हमारा कौन होता है, रेड टेल जोड़ होता है, ऑप्शन नंबर कौन है, तो सी। आगे देखेंगे इस जोड़ का नाम क्या होता है, इसका जोड़ का नाम मैरिट जोड़ होता है, ऑप्शन नंबर है ये। आगे देखेंगे विटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग होता है, तो याद रखेंगे सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ा है तो जोड़ना होता है, ऑप्शन नंबर है डी। आगे देखेंगे सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर है सी। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग कहाँ होता है, पीवीसी भाग के छोटे भागों की सोल्डरिंग करने में, ऑप्शन नंबर है सी। आगे देखेंगे वेल्टेड के भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है, इसका नाम होता है, ध्यान देंगे ये हो जाएगा लेड शीथ, ऑप्शन नंबर कौन है, तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे तो कह रहा है कौन सा कुचालक पदार्थ जो है भूमिगत केबल में यौगिक की तरह डाला जाता है, तो इसका जवाब जो हो जाएगा बिटुमिनस यौगिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी। आगे देखेंगे भूमिगत केबल में बेडिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी। आगे देखेंगे 93 नंबर, भूमिगत केबल के किस दोष को ज्ञात किया जा सकता है, तो याद रखिएगा लूप टेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। आगे देखेंगे यदि 1.4 क्या होता है, तो सभी प्रत्येक चालक का व्यास होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी। आगे सवाल देखेंगे एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है, तो 35 mho/m होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग 0.81 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखेंगे तो अगला सवाल है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है, आधा फेज चालक से ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर है बी। इस औजार का नाम क्या होता है, इसको हम लोग क्रिम्पिंग टूल कहते हैं, ऑप्शन नंबर है सी। आगे देखेंगे उच्च तन्यता है तो सिरोपरी लाइन में कौन से जोड़ का प्रयोग किया जाता है, तो इसका नाम होता है वेस्टर्न यूनियन जोड़, ऑप्शन नंबर कौन है, तो सी। आगे देखेंगे अगला सवाल है 100 नंबर सवाल, चलिए चलिए माइक्रोमीटर का पाठ्यांक कितना है, तो 4.55 है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। अब चलिए अगला सवाल का जवाब देना है आप लोगों को, सभी लोग जुड़ जाइए। कह रहा है वाहनों की बॉडी के सुधार है तो सोल्डरिंग विधि का क्या प्रयोग किया जाता है, कह रहा है वाहनों की बॉडी के सुधार के लिए कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, 101 नंबर सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट करेंगे। बी ऑप्शन आ रहा है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग आ रहा है, चलिए और लोग भी बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा वाहनों के बॉडी के सुधार है तो कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है, कह रहा है गुथे हुए चालक के ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है, तो याद रखेंगे अधिक लचीला होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो आपका बी नंबर बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, अधिक लचीला होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सवाल क्या कह रहा है कि 16 एम्पियर केबल की धारा वहन क्षमता क्या होती है, 16 एम्पियर की धारा वहन क्षमता क्या होती है, यदि वह अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा क्या है संरक्षित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 एम्पियर, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला सवाल है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होता है, आपसे पूछ रहा है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होता है, तो याद रखिएगा कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है, सोल्डरिंग विधि का नाम आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं डीप सोल्डरिंग है, डीप सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग गन है, तो इसका करेक्ट आंसर है सोल्डरिंग गन जो हो जाएगा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे कह रहा है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हैं तो किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है एमए बराबर में पोटेंशियल डिफरेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होता है, केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या होता है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठोस चालक के गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि होती है, कम लचीलापन होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, कम लचीलापन हो जाएगा।
आगे चलेंगे। 109 नंबर कह रहा है सोल्डरिंग विधि का नाम बताइए। डीप सोल्डरिंग है, ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग है, या सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग है, या तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग है। तो आप देख सकते हैं चित्र में, ये आपका तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, सोल्डरिंग में ठंडे शोल्डर दोष का कारण क्या होता है। जो आपका शोल्डर होता है, सोल्डरिंग में ठंडे शोल्डर दोष का कारण क्या होता है, तो आप तो उष्मन होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, 111 नंबर, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को ओममीटर की तरह जोड़ा जाए। क्या होगा यदि वोल्टमीटर को ओममीटर की तरह जोड़ा जाए, तो याद रखेंगे कम पाठ्यांक देगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, 112 नंबर, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु कौन सा उदाहरण है। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज हो जाएगा। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे हम लोग पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, विस्तार लाइनों के लिए कौन से कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। जो विस्तार लाइन होती है उसके लिए कौन से कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम होता है बेयर कंडक्टर, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, तांबे के प्रमाण के तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैंने बताया था 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है इसमें से, तो अर्धचालक पदार्थ जो है आपका कौन सा है इसमें बताना है, तो जर्मेनियम जो है हमारा अर्धचालक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, नियान ध्रुवता संकेतक एसी आपूर्ति जांचते समय क्या संकेत देता है। कह रहा है जो आपका नियान ध्रुवता संकेतक होता है वो एसी जांचते समय क्या संकेत देता है, तो दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा खपत को यूनिट में निकालना है। कह रहा है 500 वाट है, इसके लैंप को 5 घंटा जलाना है, विद्युत ऊर्जा खपत को यूनिट में निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 500 × 5 घंटा जलाना है, के घंटा जलाना है, 500 × 5 बटा में कितना कर देंगे, 1000, तो देखेंगे 00 से 00 खत्म हो जाएगा, तो आपका 25 बटा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 25 बटा में 10 को हम लोग कितना यूनिट कहते हैं, तो 2.5 यूनिट कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, 2.5 यूनिट। कितना हो जाएगा, तो 2.5 यूनिट बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, 500 × 5 अब बटे में कितना कर देना था, 1000, तो 20 से 20 खत्म हो जाता, 5 × 5 = 10 और 5 का आधा कितना होता है, तो 2.5 यूनिट होता है, तो हमारे सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। आगे चलेंगे, अगला सवाल है, 100 वाट और 250 वोल्टेज से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। 100 वाट है, 250 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, तो आप जानते हैं पी बराबर में वी स्क्वायर बाई क्या होता है, आर होता है। पी बराबर में वी स्क्वायर बाई क्या होता है, आर होता है, आर बराबर में वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा, तो वी का मान 250 × 250 अब बटे में कितना कर देंगे, तो 100 कर देंगे, 00 से 00 खत्म हो जाएगा, तो आपके सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 25 × 25 से करेंगे, 625 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, 625 ओम हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर हमारे पास 119 क्या कहता है, कौन सा नियम कहता है यदि बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज जो है वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। कौन सा नियम कहता है, कह रहा है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज जो है वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है, इसको क्रिस्साप्स का दूसरा नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। वोल्टेज के लिए क्रिस्साप्स का दूसरा नियम, धारा के लिए क्रिस्साप्स का दूसरा नियम, पहला नियम होता है, धारा कहेगा तो पहला नियम, वोल्टेज कहेगा तो दूसरा नियम, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, 200 वाट बटे में 240 वोल्ट को दो लैंप जो है 240 वोल्टेज आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हैं, तो कुल शक्ति बताना है, तो ध्यान देना है 200 वाट है, कितना है 200 वाट है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 वाट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, कह रहा है यदि तीन प्रतिरोध जो हैं R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हैं, तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 जो हैं समांतर परिपथ जुड़े हैं, तो आपको कुल प्रतिरोध का मान बताना है। ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। किसमें जोड़ रहा है, समांतर में जोड़ता है, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 ऐसे करके जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। कह रहा है अगला सवाल है,
ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? कह रहा है ओम मीटर का खुले हुए, ओम मीटर जो है आपका, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? शून्य पाठ्यांक पर संकेत देगा, अनंत पाठ्यांक पर संकेत देगा। अगर खुला है तो अनंत पाठ्यांक पर संकेत देगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके ब्यास को दुगुना कर दिया जाए? किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके ब्यास को दुगुना कर दिया जाए? तो याद रखिएगा, ब्यास को जैसे ही आप दुगुना करेंगे तो 4 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके ब्यास को दुगुना कर दिया जाए? तो उसका 4 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, प्रतिरोध का नाम क्या है? धातु फिल्म प्रतिरोध है, तार बंधे हुए प्रतिरोध है, कार्बन फिल्म प्रतिरोध है या कार्बन मिश्रित प्रतिरोध है? इसका जवाब हो जाएगा तार बंधे हुए प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल है, 125 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। 125 नंबर सवाल का जवाब आपको बताना है। कह रहा है रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताना है, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताना है। तो याद रखना है आपको, इसका जो हो जाएगा 26×10³ वाट प्लस माइनस 10%, 26×10³ वाट प्लस माइनस 10%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 126, ओहम मीटर को अरेखी क्रम में क्यों समंजित किया जाता है? आपको बताना है, कह रहा है ओम मीटर जो है अरेखी क्रम में क्यों समंजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है, धारा वोल्टेज प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है धारा प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा ऑप्शन है वोल्टेज धारा के आपके समानुपाती होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो धारा होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल क्या कहता है? कह रहा है हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए, जबकि PAB बराबर में 500, OBC बराबर में 300, SA बराबर में आपका 15 ओम। आप जानते हैं P बटा में Q बराबर में R बटा क्या होता है? S होता है। यहाँ से हमें S का मान निकालना है। P का मान 500 है, Q का मान जो है आपके पास 300 है। तो 2 जीरो से जो जीरो खत्म हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, बराबर में R बटा में क्या होता है? S होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास S का मान, R का मान पता करना है। S का मान कितना दिया है? 15। तो 3×5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5×5 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से आपका R का जो मान निकलेगा, R का जो मान यहाँ से ध्यान दीजिएगा जो निकलेगा, 5×15 3×2 कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा जी? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आपको बस याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 9 वाट। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला कह रहा है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? अभ्रक है, यूरेका है, कापर है या आपका मैगानीन है? आपको बताना है ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसमें ऋणात्मक गुणांक होता है, तापमान ऋणात्मक गुणांक वाला होता है? इसका जवाब होता है अभ्रक, माइका होता है। आगे चलेंगे, अगला सवाल हमारे पास है, कह रहा है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं? ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन कौन सी हैं? धारा प्रतिरोध एवं शक्ति है, धारा वोल्टेज और प्रतिरोधकता है, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध है। तो याद रखिएगा, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध होता है आपके किससे? ओम के नियम से संबंधित। V बराबर क्या होता है? IR होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल देखिएगा, इस सवाल को लगाने के लिए दिया है। तो कह रहा है 15 एम्पियर है, 24 है, 3 है, आपके पास 8 है। तो 8 × 3=24, 3 हो जाएगा, 3×8=24, 8×3=11, 4 हो जाएगा, 4×6=24। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ओम, बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल आप लोग देखेंगे ध्यान से, अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, एक खुली शाखा होने पर समांतर परिपथ पर क्या प्रभाव होता है? एक शाखा जो है वो खुली होने पर समांतर परिपथ पर क्या प्रभाव होता है? धारा समान बनी रहेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, या उस शाखा में धारा नहीं बढ़ेगी? तो याद रखिएगा, अगर शाखा खुली है और समांतर परिपथ है तो उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा।
अगला सवाल देखेंगे, प्रतिरोधकता की इकाई आपको बताना है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, प्रतिरोधकता की इकाई आपको बताना है, सभी लोग कमेंट करना है, बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा, प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है ओम गुणे में मीटर होती है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो आपका सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, सर्किट ब्रेकरों में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर्किट ब्रेकरों में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बैरिस्टर होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा है रंगकुट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताना है, रंगकुट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, देख सकते हैं चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25×10^3 ±5%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो सी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा है हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए, जबकि PAB बराबर में 400, QBC बराबर में 200, R बटा में यस दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 है, 6 है, 8 है और कितना है जी 12 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 6 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो बी हो जाएगा, उसमें 9 ओम आया था, इसमें कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, वोल्टमीटर भी का पाठ्यांक आपको बताना है, वोल्टमीटर भी का पाठ्यांक आपको बताना है। ऑप्शन दिया है 0 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, 18 वोल्ट है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा करेक्ट आंसर 18 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है आपको बताना है, जो श्रेणी परिपथ होता है उसका क्या उपयोग होता है। तो याद रखिएगा वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो डी हो जाएगा, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है। तो याद रखेंगे वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव होता है, जो श्रेणी परिपथ होता है उसमें खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव होता है। खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं होगा, खुले परिपथ में पूर्ण धारा बहेगी, या खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। तो याद रखिएगा खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखेंगे R3 प्रतिरोध में प्रतिरोधक का मान आपको बताना है। तो देखिएगा 12 ओम जा रहा है, 24 वोल्टेज है, 4 के हिसाब से 6 वोल्टेज हो जाएगा, 6 के वोल्टेज से 4 हो जाएगा, 10 हो गया, 2 एम्पियर बचेगा, तो 12 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 ओम जो हो जाएगा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो डी हो जाएगा, 12 ओम जो हो जाएगा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला है परिपथ का प्रभाव क्या हो गया यदि ये भी को लघुपथित कर दिया जाए, परिपथ का प्रभाव क्या होगा यदि ये भी को लघुपथित कर दिया जाए। ऑप्शन आपके साथ ध्यान देंगे, अगर परिपथ को लघुपथित शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, परिपथ प्रतिरोध क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। कह रहा है यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है तो इस प्रतिरोध का नाम क्या है, उसको हम लोग सेंसिस्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल है विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है आपसे पूछ रहा है। विद्युत मात्रा मतलब आपका आवेश का सूत्र क्या होता है। तो याद रखेंगे Q=I/T होता है, Q बराबर में IT होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, धारा गुणे में समय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे चलेंगे, चालकता की इकाई क्या होती है। तो याद रखिएगा चालकता की इकाई महो होता है, महो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो ए, चालकता की इकाई क्या होती है तो महो होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे चलेंगे 144 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध के तापमान को कौन सा प्रभावित करता है। कह रहा है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा तापमान गुणक होता है, तापमान कोफिशियंट होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है, बैटरी की ध्रुवता को जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पात का मान बताना है, जो आपका श्रेणी परिपथ दिया है इसमें
आपके R2 में वोल्टेज पाथ का मान आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वोल्टेज, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो भी हो जाएगा। आगे चलेंगे, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जो श्रेणी परिपथ होता है उसका क्या उपयोग होता है, तो याद रखिएगा परिपथ में फ्यूज होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है, तो परिपथ में फ्यूज होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। एक ओम से 100 ओम तक मापन है तो कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है, 1 ओम से 100 ओम तक किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे हीट स्टोन ब्रिज होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, विशिष्ट प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होती है, आपको बताना है। जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका इकाई जो होता है ओम गुणे में मीटर होता है, या उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है ओम गुणे में मीटर, ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा तो सी हो जाएगा। प्रतिरोध के प्रतिरोधक का क्या मान है, ये जो प्रतिरोध दिया है इसके प्रतिरोधक का क्या मान है, ऑप्शन आपके पास दिए हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा 3300 ± 10% ओम, ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे 151 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं, किस प्रकार के ओम मीटर परिपथ में संट प्रतिरोध R2 का मान क्या उपयोग होता है, किस श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में संट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सचेतक की शून्य स्थिति को संबंधित करता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। संकेतक की शून्य स्थिति को क्या करता है, संबंधित करता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो सी आंसर हो जाएगा। कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, कौन सी राशि जो है आपकी विद्युतीय राशि, कौन सी विद्युतीय राशि जो है चालक में ऊष्मा के प्रभाव को प्रभावित करती है, तो याद रखेंगे धारा का वर्ग हो जाएगा, धारा का वर्ग क्योंकि H बराबर में I²RT होता है, तो I² का मतलब धारा का वर्ग होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो भी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला सवाल हमारे पास है, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगना हो जाता है। कह रहा है चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो दुगना हो जाता है, तो याद रखेंगे 2 गुना कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला सवाल है, परिपथ में प्रतिरोध R2 पर वोल्टेज पाथ की गणना करना है, परिपथ में जो है आपका प्रतिरोध R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 100 वोल्ट हो जाएगा। कितना वोल्ट हो जाएगा, 100 वोल्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, लाइट डिपेंड रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तो याद रखिएगा उसका जो प्रतिरोध होगा वो घटेगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला सवाल है 156 नंबर, DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र होता है, जो DC परिपथ होता है उसमें शक्ति को गणना करने का P का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर में V × I होता है, वोल्टेज गुणे में धारा होता है, तो देखेंगे वोल्टेज गुणे में धारा कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल ठीक जवाब, धारा गुणे में वोल्टेज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलेंगे, कह रहा है 200 वाट और 250 रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध का गणना करना है, 200 वाट है 250 वोल्टेड रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध का गणना करना है, तो इसका आंसर 312.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है, एक जो खुला सर्किट होता है उसमें खुले प्रतिरोध का मान कितना होता है, खुले सर्किट में प्रतिरोध का जो मान होता है वो अनंत होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। आगे चलिएगा 159 नंबर सवाल का बताना है, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम 220 ओम 450 ओम और 560 ओम प्रतिरोधों में किसी किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी, तो याद रखिएगा जिसका प्रतिरोध जो होगा सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे कम धारा बहेगी, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, 560 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिरोध उसमें सबसे कम धारा बहेगी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, ताम्र चालक
का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है? जो ताम्र चालक होता है, तांबे का जो चालक होता है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चालक के प्रतिरोध के द्रुत क्रमानुपाती क्या होता है? जो चालक होता है, चालक के प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती कौन होता है, यह आपको पूछ रहा है। चालक के प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती, तो याद रखिएगा चालक के प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती जो होता है वो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। संधारित्र की कुल धारिता का मान का गणना करना है। संधारित्र परिपथ की कुल धारिता, संधारिता का मान का गणना करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 70 माइक्रो फैराड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें, इस सवाल को फिर से देख लीजिए। आप देखेंगे 30 है, 10 है, 30 है, इसको कैसे करेंगे सर? तो 1/30 प्लस में 1/10 प्लस में 1/ कितना करेंगे? 30, क्योंकि ये सब में सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 30 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस में 3, आप प्लस में कितना हो जाएगा? 1। तो आप देखेंगे 3 तो कितना हो जाएगा? 5/30 हो जाएगा। 5/30 तो 5×30 हो जाएगा आपका 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे। संधारित्र की इकाई क्या होती है? तो फैराड जो होती है संधारित्र की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे। एक संधारित्र के मान धारिता का मान क्या होगा? यदि 35 वोल्ट पर 0.5 कूलम की आवश्यकता हो, तो याद रखेंगे सी बराबर क्या होता है? क्यू बाई क्या होता है? बी। तो 0.5/35 कर देंगे इसी को। जब आप हल करेंगे 0.5/35 को जब आप हल करेंगे तो इसका जवाब निकल के आएगा, और इसका जवाब जो हो जाएगा, इसका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.0114 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो आपका ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। धारिता के मान को कैसे बढ़ाया जाता है, ये क्वेश्चन है कि धारिता के मान को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो धारिता के मान को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ा दीजिए। धारिता के मान को कैसे कम किया जाता है? ध्यान दीजिएगा। धारिता के मान को कैसे कम किया जाता है? तो प्लेटों के मध्य की दूरी को क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। धारिता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला सवाल है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो याद रखिएगा इसमें से जल जो है ये हमारा डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है। पराचुंबकीय पदार्थ हमारा कौन है? तो जल है। आगे चलेंगे। कौन सा कारक जो है विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? कौन सा कारक जो है विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? कुंडली की लंबाई है, धारा की दिशा है, धारा की शक्ति है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। आपको बताना है कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है, धारा की दिशा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है? जो आपका चुंबकीय वाहक बल होता है उसकी क्या इकाई होती है? तो एम्पियर गुणे में टन्स होती है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई याद रखिएगा MMF का इकाई जो होता है वो हमारा एम्पियर गुणे में टन्स होता है। ऑप्शन नंबर होता है कौन? तो सी। आगे चलेंगे। अगला है, यदि 3 प्रेरकत्व तो L1 L2 L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, यदि 3 प्रेरकत्व तो जो हैं L1 L2 L3 जो हैं वो किस में जुड़े हुए हैं? श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा LT बराबर में L1 प्लस में L2 प्लस में L3 हो जाएगा। LT बराबर में L1 प्लस में L2 प्लस में L3। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा। आगे चलेंगे। परमियंस की इकाई क्या होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जो परमियंस होता है उसका इकाई क्या होता है? तो याद रखिएगा वेबर प्रति एम्पियर टन्स होता है, वेबर प्रति एम्पियर टन्स। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। परमियंस की इकाई जो होती है, परमियंस की जो इकाई होती है वेबर प्रति एम्पियर टन्स होता है। आगे चलेंगे। परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो परिनालिका कुंडली होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन से नियम का लागू किया जाता है? जो आपकी परिनालिका होती है, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को खोजने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट हैंड फ्लेम रूल हो जाएगा, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ऑप्शन नंबर आपका बी।
आगे है श्रेणी परिपथ के कुल संधारित्र का मान ज्ञात करना है। श्रेणी परिपथ के कुल संधारित्र का मान आपको गणना करके बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका श्रेणी क्रम जो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला है श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप जो है इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप जो है इसकी वोल्टेज रेटिंग से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी। कौन सा अनचुंबकीय पदार्थ है आपको बताना है, कौन सा इसमें से अनचुंबकीय पदार्थ है, तो याद रखिएगा इसमें से अनचुंबकीय पदार्थ हमारा कॉपर है, तांबा है। कौन सा पदार्थ जो है अनचुंबकीय है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलेंगे, बीएच ग्राफ में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है। जो बीएच ग्राफ है इसमें अंकित भाग का नाम आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया है कोरोसिटी दिया है, कोरोसिटी दिया है, संतृप्त बिंदु दिया है, चुंबकीय बल दिया है या अवशेष चुंबकत्व दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोसिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, कोरोसिटी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या होता है। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए समान चुंबकीय शब्द क्या होता है, तो याद रखेंगे परमियंस जो होता है, चालकता के लिए समान शब्द जो होता है परमियंस होता है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है आपको बताना है। रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो रिलक्टेंस की इकाई जो होती है एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर होती है। रिलक्टेंस की इकाई जो होती है एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर होती है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो हमारा सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल है, यदि विद्युत आवेश क्यू है और वोल्टेज बी है तो संधारित्र सी का मान क्या हो जाएगा। तो सी बराबर में जो होता है आपका C बराबर में Q बाई क्या होता है, V होता है। तो याद रखेंगे C बराबर में क्या हो जाएगा, Q बाई V हो जाएगा। तो C बराबर में Q बाई V, ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा C बराबर में Q बाई V। आगे चलेंगे अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर हमारे पास है कितना, तो 179 नंबर सवाल क्या कहता है। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप एक विद्युत चुंबक की ताकत को खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे, कुंडली में करंट को कम करेंगे, कुंडली में घुमावों की संख्या को कम करेंगे, पदार्थ में बीएच के वक्र को बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप एक विद्युत चुंबक की ताकत खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो याद रखना है क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है या किसको प्रभावित करता है। कह रहा है जो आपका फ्लक्स घनत्व तो होता है वो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है या किसको प्रभावित परिभाषित करता है, हिस्टोरेसिस को करता है, चुंबकीय तीव्रता को करता है, चुंबकीय प्रेरण को कहता है या अवशेष चुंबकीय को करता है। आपको बताना है कि फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है या किसको परिभाषित करता है, तो याद रखेंगे हिस्टोरेसिस को करता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, हिस्टोरेसिस त्वचा प्रभाव है, भंवर धारा है या पराविद्युत तनाव है। आपको बताना है 181 नंबर पे आ चुके हैं, कितने नंबर पे आ चुके हैं, तो हम लोग 181 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आकाश गौड़ बहुत लेट जुड़े हैं आप, गुड इवनिंग सर जी लिख रहे हैं, चलिए गुड इवनिंग जी। चलिए 181 नंबर का जवाब आपको बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखेंगे भंवर धारा प्रभाव पड़ता है, करंट इडिटी करंट होता है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा।
अगला है, वायु संधारित्र का उपयोग जो है किस उपकरण में किया जाता है? जो आपका वायु संधारित्र होता है इसका उपयोग जो है किस उपकरण में किया जाता है? टीवी ट्यूनर होता है, ऑसिलेटर होता है, दोलक है, लाउड स्पीकर है, रेडियो रिसीवर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो रिसीवर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा है, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट जो है वो संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा है तो क्या होगा? संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा, अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा, परिपथ में धारा कम हो जाएगी या संधारित्र का मान बढ़ जाएगा। तो याद रखेंगे जो आपका ध्रुवीकृत आपका इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र है विपरीत रूप से जुड़ा है तो अत्यधिक गर्मी के कारण क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिएगा, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है इसमें से बताना है। तो याद रखना है इसमें से पराचुंबकीय पदार्थ जो है हमारा लकड़ी है। क्या है? लकड़ी जो है हमारा पराचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है आपको बताना है। जो फ्लक्स घनत्व होता है उसकी इकाई क्या होती है? तो याद रखना है जो फ्लक्स घनत्व होता है फ्लक्स डेंसिटी उसका इकाई टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो आपका ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल है पदार्थ का पीएच वक्र जो है हिस्टोरेसिस लूप के आकार को क्या दर्शाता है। ध्यान देंगे, पदार्थ का पीएच वक्र जो होता है वो हिस्टोरेसिस लूप के आकार को क्या दर्शाता है? पदार्थ का रिलेक्टेंस है, पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता है, या पदार्थ का चुंबकीय विशेषताएं हैं, चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना है। तो याद रखिएगा पदार्थ का जो बीएच वक्र होता है हिस्टोरेसिस लूप है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता बताता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? कौन सी मात्रा जो होती है विद्युत धारा के सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी है। आगे देखेंगे, परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? तो याद रखेंगे फ्लक्स घनत्व जो है परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण है। तो फ्लक्स घनत्व है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस प्रकार के संधारित्र जो है अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है? प्लास्टिक फिल्म प्रकार है, सिरेमिक डिस्क प्रकार है, इलेक्ट्रोलाइट एल्यूमिनियम प्रकार है, इलेक्ट्रोलाइट टैंटलम प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट टैंटलम प्रकार, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का क्या प्रभाव होगा अगर खुला परिपथ दोष है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखेंगे अगर खुला परिपथ है तो यह कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल हमारे पास है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान का प्रभाव क्या परिवर्तन होगा? तो याद रखिएगा अगर दूरी कम हो जाती है तो वो हमारा धारिता जो होगा बढ़ेगा। दूरी बढ़ेगी धारिता घटेगा, दूरी कम होगी तो धारिता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे चलेंगे, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, डीसी विशेषता है, प्रेरण विशेषता है, संतृप्त विशेषता है, ध्रुव मौजूद विशेषता है। तो याद रखिएगा ये हमारा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी दिखाया गया है, डीसी विशेषता दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ जो है इसमें से एयर है। क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो एयर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला है चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग जो है वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो यह हमारा होता है प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड होता है। कह रहा है चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग जो है वाणिज्यिक उपयोग हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है, तो उसको हम लोग इंडक्शन मेथड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होता है? तो याद रखिएगा यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण जो होगा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है? जो आपका संधारित्र होता है उसमें पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है, ये आपसे सवाल में पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को क्या करेगा, रोकेगा कौन? तो पराविद्युत कुचालक। पराविद्युत कुचालक जो होता है वो धारा प्रवाह को, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को क्या करता है, रोकता है।
आगे देखेंगे संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है। संधारित्र में धारिता का मान जो होता है किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो याद रखिएगा प्लेटों के क्षेत्रफल के द्वारा निर्धारित होता है। संधारित्र में धारिता का मान जो होता है वह प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलेंगे आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। कह रहा है जो आरएफ युग्मन सर्किट होता है उसमें किस प्रकार के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे मोनोलिथिक का प्रयोग किया जाता है। आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, मोनोलिथिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। सस्टेंस की इकाई क्या होती है, सस्टेंस की इकाई क्या होती है, तो याद रखेंगे जो महो होता है सब्सटेंस की इकाई होता है। सब्सटेंस की इकाई क्या होता है, तो महो होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो हमारा ए हो जाएगा। आगे चलेंगे 200 नंबर दोहरा शतक हम लोगों ने बना लिया है तो आपको बताना है। इसके बाद 50 क्वेश्चन और देखेंगे, 250 क्वेश्चन आज कराए जाएंगे और 250 क्वेश्चन आपके कल कराए जाएंगे। तो बताइए अभी लोग सभी लोग प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा, जो 240 वोल्टेज पर 5 एम्पीयर धारा ले 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक हो। बताना है इसका जवाब क्या हो जाएगा, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा। जो आपका प्रेरकत्व कुंडली होता है उसका प्रतिरोध क्या होगा, जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर की क्या ले धारा ले और 50 हर्ट्ज आपूर्ति और 0.8 शक्ति गुणांक हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 42.5 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। आगे चलना बताना है एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाता है। आपको बताना है कि एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति FR को कैसे बढ़ाया जाता है, प्रेरकत्व मान में वृद्धि करके, संधारित्र के मान में कमी करके, संधारित्र के मान में वृद्धि करके, प्रतिरोध के मान में वृद्धि करके। तो याद रखना है अगर आपको अनुनाद आवृत्ति को बढ़ाना है तो संधारित्र के मान में कमी करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, कह रहा है तीन कला रिएक्टिव पावर PR को निकालने के लिए सूत्र क्या है। तीन कला रिएक्टिव पावर PR को निकालने के लिए सूत्र क्या है, यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट जो है IL है, लाइन वोल्टेज VL है और लाइन करंट जो है IL है, तो इसके लिए PR को पावर फैक्टर को पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा PR बराबर में VL IL sin थीटा होता है। PR बराबर में VL IL sin थीटा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे, तीन कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या होता है। कह रहा है कि आपका तीन कला प्रणाली में जो आपका थ्री फेज पावर फैक्टर होता है उसमें कह रहा है शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कह रहा है स्टार संयोजित सिस्टम में तीन कला संतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 203 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है स्टार संयोजित सिस्टम में, जो आपका स्टार संयोजित सिस्टम होता है उसमें तीन कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल हमारा है, कह रहा है तीन कला 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में KVCM में आभासी शक्ति की गणना करना है, यदि लाइन धारा जो है IL 16 एम्पियर 0.8 शक्ति गुणांक है, 0.8 क्या है शक्ति गुणांक है, और तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.5 के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा बी। आपको बस आंसर याद रखना है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ, कह रहा है यदि तीन कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी, यदि पावर फैक्टर शून्य है तो आपको बताना है तीन कला बिजली मापन में जो आपका W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी। तो याद रखिएगा W1 W2 जो है बराबर है लेकिन विपरीत पाठ्यांकों के संकेत होंगे। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल हमारे पास है 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मान क्या है। 240 वोल्टेज के लिए RMS का मान कितना है,
तो याद रखिएगा 339.5 वोल्टेज हो जाएगा। इसमें कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे, इसमें कड़ी में 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 240 वोल्टेज आ रहे हैं। इसके लिए वोल्टेज का अधिकतम मान मूल्य क्या है, तो याद रखिएगा 339.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है, आरएलसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद के लिए क्या स्थिति है। आपका आरएलसी श्रेणी परिपथ जो होता है उसके लिए अनुनाद की स्थिति क्या होती है, ये आपसे कह रहा है। तो अनुनाद की स्थिति के लिए याद रखना है, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, आरएल बराबर में एक्सएल बराबर में एक्ससी होना चाहिए, एक्सएल बराबर में एक्ससी। ऑप्शन नंबर कौन है, सी है। आगे चलेंगे, अगला सवाल है, एसी परिपथ में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। जो आपका एसी सर्किट होता है उसमें रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है, पीआर का सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे जो पीआर का सूत्र होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पीआर बराबर में वी आई साइन थीटा होता है, वी आई क्या होता है, साइन थीटा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। आर का मान दिया है 5 ओम, एक्सएल का मान 36 ओम और एक्ससी का मान 24 ओम। तो आपसे क्या कह रहा है, परिपथ में प्रतिबाधा की गणना करना है। परिपथ में किसका गणना करना है, प्रतिबाधा का गणना करना है। तो याद रखेंगे इसका जो जवाब नजर आएगा वो 13 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। आगे चलेंगे, 200 चलिए इसका तो मैंने लगा लिया 13 ओम हो जाएगा। अगला जो है हमारा एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है। जो आपका सिंगल फेज एसी परिपथ होता है उसका कालांतर कितना होता है, तो याद रखिएगा 90 डिग्री उसका कालांतर होता है। सिंगल कहेगा 90 मारेंगे, थ्री फेज कहेगा तो याद रखिएगा 120 मारना है। अगला चलेंगे, कह रहा है स्टार संयोजी सिस्टम में, स्टार संयोजी सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL और फेज वोल्टेज VP में क्या संबंध होता है। स्टार संयोजी सिस्टम में आपका स्टार संयोजी सिस्टम जो होता है, स्टार संयोजी सिस्टम जो होता है उसमें कह रहा है स्टार संयोजी सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL और फेज वोल्टेज VP में संबंध बताना है। तो याद रखिएगा VL बराबर में कड़ी में 3 VP होता है, VL बराबर में कड़ी में 3 VP। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल है 3000 वाट संतुलित भार, 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज आपूर्ति है, तो लाइन धारा की गणना करना है। किसका गणना करना है, लाइन धारा का गणना करना है। किसका आंसर हो जाएगा, 5.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलेंगे, अगला सवाल है 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है। कह रहा है 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान शक्ति समान रीडिंग दिखाने के लिए शक्ति गुणांक कितना होना चाहिए, तो याद रखना शक्ति गुणांक एक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलेंगे, अगला सवाल है 215 नंबर, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। कह रहा है तो 24 ओम प्रतिरोध वाले, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के लिए शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 440 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी नंबर हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सवाल नंबर है 216, कह रहा है आरएलसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड की गणना करने का सूत्र क्या है। यदि प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल, धारकीय प्रतिघात एक्ससी से कम है। ध्यान देना है आपको, आपसे सूत्र पूछ रहा है, तो इसका सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जेड बराबर में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। जेड बराबर में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे चलना है, अगला है प्रतिरोध आर बराबर में 15 ओम, प्रतिरोध आर बराबर में 15 ओम, परिणामी प्रतिघात एक्स बराबर में 20 ओम, 240 वोल्टेज 50 हर्ट्ज जैसी आपूर्ति से जुड़े आरएलसी परिपथ में शक्ति गुणांक की गणना करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, 218 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है 240 वोल्टेज 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह हेतु आरएलसी समांतर सर्किट के लिए मान एटीडेंस वाई की गणना करें, इसके माध्यम से करंट पास किया गया हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 0.033 महो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलेंगे,
219 नंबर सवाल क्या कहता है, 219 नंबर हम लोग देखेंगे। कह रहा है एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा आईएल की गणना करने का सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे आईएल बराबर में आईआर स्क्वायर प्लस में आईसी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जाता है, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखेंगे संधारित्रों को समांतर में जोड़कर, संधारित्र को अगर समांतर में जोड़ेंगे तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर हमारा बेहतरीन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे चलेंगे तो कह रहा है तीन कला सक्रिय शक्ति पी की गणना करने के लिए सूत्र क्या है, यदि लाइन वोल्टेज VL जो है, लाइन धारा IL है और कला कोण जो है Q है। कह रहा है तीन कला सक्रिय शक्ति पावर की गणना करने का सूत्र क्या है, यदि आपका लाइन वोल्टेज VL और लाइन धारा IL है और कला कोण जो है Q है, तो याद रखेंगे P बराबर कर्णी में तिल VL IL का स्थिता, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे चलेंगे कह रहा है डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन वोल्टेज लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध होता है, ध्यान दीजिएगा कह रहा है क्या डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच क्या संबंध होता है, तो याद रखेंगे इसका जवाब IL बराबर में कड़ी में तीन IP होता है, IL बराबर में कड़ी में तीन IP, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या होता है, जो कला अनुक्रम मीटर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखेगा टू एंश्योर द करेक्ट फेज सिक्वेंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम, टू एंश्योर द करेक्ट फेज मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला सवाल हमारा है, कह रहा है एक स्टार से जुड़े तीन कला भार की आभासी शक्ति की गणना करना है, कह रहा है एक स्टार से जुड़े तीन कला भार की आभासी शक्ति की गणना करना है, यदि यह 0.8 शक्ति गुणांक पर तीन कला 415 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा जो है वो 10 एम्पियर है, तो आपको बताना है इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब 7.188 KVA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 224 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 225 देखेंगे, कह रहा है तीन कला शक्ति पंप में दो वाट मीटर विधि में तीन कला शक्ति माप में दो वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य जो है पाठ्यांक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है, तो शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा, तो 0.5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलेंगे फार्म फैक्टर KF का सूत्र क्या होता है, आपसे कह रहा है फार्म फैक्टर KF का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो याद रखना है फार्म फैक्टर KF बराबर में एवरेज वैल्यू बटे में RMS वैल्यू होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फार्म फैक्टर KF बराबर में एवरेज वैल्यू बटे में RMS वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शक्ति को परिभाषित किया जाता है, क्वेश्चन कह रहा है एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडमिटेंस, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। आगे चलेंगे कह रहा है किस एसी परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच कला का संबंध होता है, किस एसी परिपथ में वोल्टेज V और I के बीच कला संबंध होता है, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध और प्रेरकत्व परिपथ हो जाएगा, प्रतिरोध और प्रेरकत्व परिपथ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला सवाल है, कह रहा है तीन कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 KVA है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करना है, तो याद रखिएगा 5 है 4 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 है 4 है तो 3 KVA आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसका जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 KVAR, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर है 230, आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा, आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा, तो याद रखेंगे अगर आपका प्रेरकी प्रतिघात XL धारिती प्रतिघात XC के बराबर हो जाएगा, XL और XC आपस में अगर बराबर हो जाएंगे तो इस स्थिति को हम लोग अनुनाद कहेंगे, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे चलेंगे 231 नंबर सवाल क्या कहता है, तीन कला दो वाट मीटर विधि में वाट मीटर के पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे, तीन कला दो वाट मीटर विधि में
तीन कला दो वाट वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे, तो याद रखिएगा मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन से, मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदल देंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे 232 नंबर कह रहा है जया वक्री एसी के लिए फार्म फैक्टर के एफ क्या होता है, जया वक्री एसी के लिए फार्म फैक्टर के एफ का मान क्या होता है, तो इसका जवाब 1.11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आगे चलेंगे एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होता है, कह रहा है ध्यान दीजिएगा 233 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होता है, प्रतिघात रेमिटेंस या चालकता या सस्टेंस, तो याद रखिएगा इसका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सस्टेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा तो डी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला सवाल 234 नंबर धारा और वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है, कह रहा है ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि धारा और वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा धारा और वोल्टेज जो है वो समान कला में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 235 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है दो वाट मीटर W1 और W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करना है यदि एक वाट मीटर W2 रीडिंग उल्टी ली जाती है, कह रहा है दो वाट मीटर जो है W1 और W2 विधि द्वारा कुल शक्ति का गणना करना है और यदि एक वाट मीटर W2 रीडिंग उल्टे की बात ली जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा W1 माइनस में W2, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 236 क्या कहता है, कौन सी तीन कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है, कौन सी तीन कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा तीन तार डेल्टा संयोजन सिस्टम, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे तीन फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्टेज है तो लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा, तीन फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्टेज है तो लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका जवाब जो हो जाएगा 415 वोल्टेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे अगला सवाल है कह रहा है फार्म फैक्टर के एफ का सूत्र क्या होता है, फार्म फैक्टर के एफ का सूत्र क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फार्म फैक्टर विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट फार्म फैक्टर के एफ का सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे फार्म फैक्टर के एफ का जो मान होता है वो प्रभावी मान बटे में औसत मान, इफेक्टिव वैल्यू बटे में एवरेज वैल्यू, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो ये हो जाएगा। आगे चलेंगे कह रहा है RLC श्रृंखला सर्किट में प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए क्या सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि RLC श्रेणी परिपथ है, RLC श्रृंखला सर्किट में प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनू मौर्य लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर, चलिए जी गुड इवनिंग, कह रहा है RLC श्रृंखला सर्किट में प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे जेड बराबर में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस में XC का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो डी हो जाएगा। आगे चलेंगे 240 नंबर सवाल तक हम लोग आ चुके हैं, कह रहा है तीन फेज शक्ति माप की दो वाट मीटर विधि में यदि एक वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या है, तीन फेज शक्ति माप की दो वाट मीटर विधि में यदि एक वाट मीटर जो है वो ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर कितना है, ये आपसे पूछ रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, 0.5 से कम हो जाएगा, 0.5 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे 241 नंबर तीन कला एसी परिपथ में समकालांतर कितना होता है, तो अभी मैंने बताया था थ्री फेज का पूछे थे 120, फर्स्ट फेज का पूछे तो कितना मानना है 90, इसका जवाब हो जाएगा 120। आगे चलेंगे अगला सवाल है 242 नंबर क्या कहता है, कह रहा है किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है, तो XL बराबर में XC होता है, या चलिए ध्यान दीजिएगा XL बराबर में XC हो जाएगा, इसी को RLC अनुनाद स्थिति कहा जाता है, XL बराबर में XC, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो सी हो जाएगा। आगे चलेंगे स्थिर एंगुलर वेलोसिटी के में कितने परिमाण का गुण होता है, कह रहा है जो आपका स्थिर एंगुलर वेलोसिटी होता है, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है, तो फेजर परिमाण होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।
आगे चलेंगे। अगला सवाल हमारे पास है, दो सौ चौवालीस तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए बाकी के क्वेश्चन आपके कल कराए जाएंगे, तो 243 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन आपके कब होंगे, तो कल होंगे। तो आप सभी लोग टाइम से सभी लोग आ जाइएगा, कल भी 6 बजे से आपकी क्लास रहेगी। आज हम लोग 200 कितने क्वेश्चन देखे, तो 243 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। कितने क्वेश्चन देखे हैं, 243 क्वेश्चन देखे हैं। और सारे क्वेश्चन को आप लोग इस वीडियो को रिवाइज करके 2-3 बार देख लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा आसान। याद रखिएगा, ये जो आपका वीडियो है इसमें गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि इसमें मान के चलिएगा 20 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे यहाँ से, इस पीडीएफ से, इसकी गारंटी है। मैं जब आपका पेपर हो जाएगा तो मैं आपको पेपर मिलवा दूंगा, आपको 20 क्वेश्चन इस पीडीएफ से ही देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन कम से कम मान के चलिएगा यहाँ से देखने को मिलेंगे। शुरुआत के जो 100 क्वेश्चन हैं, शुरुआत के जो 100 क्वेश्चन हैं उसमें से मान के चलिएगा आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन जो हैं शुरुआत के, वो 15 क्वेश्चन आएंगे। बाद के जो आपके 100-150 क्वेश्चन हैं उसमें से थोड़ा कम आता है, लेकिन कल जो आएगा उसमें भी मान के चलिएगा आपका 20 क्वेश्चन वहाँ से आ रहा होगा। तो कल का भी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग कल के क्लास में ज़रूर आइए। आप लोगों को क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आप लोग बार बार इस क्लास को रिवीजन कर लीजिए, जितने लोग भी बाद में जुड़ेंगे वो लोग भी इस क्लास को क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। जितने भी आपके यार दोस्त हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका सीबीटी एग्जाम मात्र 4-5 दिन बचा है। तो आप अगर पर डे इस वीडियो को एक एक दिन रिवाइज करते हैं, सुबह शाम भी रिवाइज करते हैं, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है और आप आराम से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए जुड़ने के लिए आप लोगों का